हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ड्रिल पर। मैं हूं आपके साथ मेघा। साल 2019 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। साल 2019 में अलग अलग क्षेत्रों में कई घटनाएं घटी, लेकिन साल 2019 न सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा बल्कि चर्चा के केंद्र में कई धार्मिक घटनाएं भी रही जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आइए जानते हैं वर्ष 2019 की घटित प्रमुख धार्मिक घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2019 में हुए प्रयागराज कुंभ की। धार्मिक नजरिए से साल 2019 में सबसे आकर्षण का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश के प्रयाग में संपन्न कुंभ मेला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ को बड़े ही भव्य और विशाल तरीके से संपन्न करवाया। लंबे समय से की गई कुंभ की तैयारियों के साथ इस कुंभ की चर्चा देश और विदेशों में भी छाई रही। इस कुंभ मेले में 2013 में आयोजित कुंभ मेले की अपेक्षा दोगुनी तादाद में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आंकड़ों के अनुसार 2019 के कुंभ में 24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। इस कुंभ स्नान में बड़ी तादाद में जानी मानी हस्तियों ने संगम में डुबकी लगाई। एक अनुमान के अनुसार करीब 24 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा। लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की यात्रा की। इस दौरान वहां पर उन्होंने रुद्र गुफा में साधना की, जिसकी तस्वीरें भी काफी चर्चा में रही। रुद्र गुफा आम लोगों के लिए 2018 में पहली बार खोली गई थी। करतारपुर कॉरिडोर बनने की खबर। साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के बनने की खबर भी छाई रही। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की 550वीं जयंती के मौके पर पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर एक कॉरिडोर का निर्माण किया। पूरे साल इस कॉरिडोर को लेकर दोनों देशों के बीच काफी वाद विवाद रहा। लगभग 1467 से अधिक श्रद्धालुओं ने करतारपुर गुरुद्वारे में अरदास की। करतारपुर में जाने वाले सिख श्रद्धालुओं की काफी संख्या रही। राम मंदिर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में सबसे बड़ा फैसला अयोध्या मंदिर के मामले में सुनाया। ये ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को दिया गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह पर राम मंदिर निर्माण करने और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का सरकार को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने 1045 पन्नों का फैसला दिया। अयोध्या की भव्य दिवाली। इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या में यूपी की योगी सरकार ने लाखों की संख्या में दीपक जलाए, जिसकी चर्चा भी खूब रही। सबरीमाला मंदिर विवाद। साल 2019 में केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर भी विवादों में छाया रहा। सबरीमाला मंदिर में 10 साल की आयु से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। इस पाबंदी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर में महिलाओं के जाने की पाबंदी को हटाने का निर्णय सुनाया। इस फैसले के बाद खूब विवाद हुआ। फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिका दायर की गई। यहां तक कि फैसले के बाद केरल में इसको लेकर कई जगह हिंसा भी हुई। अमरनाथ यात्रा। साल 2019 की अमरनाथ यात्रा भी काफी सुर्खियों में रही। इस बार अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले वहां चल रही यात्रा को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के नजरिए से सभी भक्तों को वापस जाने के लिए कह दिया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुर्खियों में रही। इस साल राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। उनकी ये यात्रा काफी चर्चा में रही। इस बार यात्रा डोकलाम विवाद के चलते नाथुला दर्रे से ना होकर लिपुलेख दर्रे से की गई थी। तो ये थी वो धार्मिक घटनाएं जो पूरे साल चर्चा में बनी रही। प्रयागराज कुंभ से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तक सभी घटनाओं ने जमकर बटोरी सुर्खियां। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।